Minties, welcome to Easy Way Commerce Classes. मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम कंपनी के कॉन्सेप्ट के बारे में, मेरिट्स एंड लिमिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कंपनी किसे कहते हैं, हम अपने डे टू डे रूटीन में गाइस कंपनी वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, है ना, इस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में. लेकिन कंपनी कैसे आइडेंटिफाई होती है कि इस चीज़ को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, इस चीज़ को हम सोल प्रोप्राइटर नहीं कह सकते, इसको हम कंपनी ही कह सकते हैं. कैसे पता चलता है कि वो कंपनी अगर हमें बनानी है तो हमें क्या करना होगा कंपनी बनाने के लिए, तो वही सारे कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे. सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो. और यस, आप अपने डाउट, चाहे वो अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम पर आईडी है तबिता मैसेज, जहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ताकि मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूँ. सो स्टार्ट करते हैं गाइज सबसे पहले कंपनी के मीनिंग से. गाइस, कंपनी का क्या मतलब होता है? देखो, अगर एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट देखें, सो अ कंपनी मीन्स अ कंपनी. कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अगर आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था, तो उसे हम कंपनी मानते हैं. बट कंपनी की कुछ तो रिक्वायरमेंट होती होगी ना गाइज. सो देखो, कंपनी क्या है एक्ट के अकॉर्डिंग, तो बड़ी इजी सी लैंग्वेज है ना. और हमें एक्ट क्या दिया गया है गाइस, कंपनीज एक्ट 2013, जो अभी हाल ही में यानी कि कुछ सालों पहले ही बना है. और इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो प्रीवियस कंपनी एक्ट में थी, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ. ठीक है, उससे पहले जो गाइस कंपनी एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, वो चला आ रहा था, तो कुछ चेंजेस करने होते हैं ना समय के साथ. तो अब नया जो हमारा अप्लाई हो रखा है वो है कंपनीज एक्ट 2013. अब आगे बढ़ते हैं गाइस. देखो, कंपनी की एक जो अच्छी खासी डेफिनेशन है, अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, यानी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, एक पर्सन की बात नहीं हो रही. फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, जो किस लिए बनाई जाता है, फॉर्म बनाई जाती है किस लिए, कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस, और उस कंपनी का लीगल स्टेटस होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर का मतलब क्या हुआ गाइस, कि भाई कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग आइडेंटिटी है. कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उसके मेंबर्स की अपनी आइडेंटिटी है. तो अगर मेंबर्स जाते भी रहे, यानी कि कोई मेंबर अगर छोड़ के चला भी जाता है, तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है. कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि अपनी पहचान होती है. अगर किसी को भी कंपनी अगर केस करना होता है तो वो कंपनी के नाम पर करते हैं. जैसे अगर हमें रिलायंस पर करना है तो हम रिलायंस पर करेंगे, ना कि अंबानी के डायरेक्ट उनके नाम पर, क्योंकि हमें केस रिलायंस कंपनी पे करना है या किसी भी कंपनी पर. तो कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है गाइज, इसका मतलब होता है कि किसी के भी आने या जाने से या मरने से, डेथ से, कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे उसमें था ना, पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में, कि छोड़ के जाने पर बंद हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं होता. एंड अ कॉमन सील गाइज, इसकी अब हम, कॉमन सील का मतलब होता है गाइज स्टैम्प, यानी कि इसकी अपनी अलग पहचान होती है. कॉमन सील होती है कंपनी की, यानी कि उसकी अपनी एक स्टैम्प होती है, जिसके नाम पर वो एग्रीमेंट्स बनाते हैं, जिसके नाम पर वो बहुत सारे आप कह सकते हो, कहीं पर स्टैंप लगानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है. ठीक है, वो लगती है तभी हमारा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक माना जाता है, यानी कि सही माना जाता है. ठीक है, सो कंपनी की एक बहुत ईजी सी भी डेफिनेशन दे रखी है, जो कि आप याद कर सकते हो. अब इसके बाद गाइस जब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, द शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी. तो जिन्होंने भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो ऑनर कहलाते हैं. वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर. यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जैसे MD वगैरह आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया आपका, ठीक है, आपके और जो सुपरवाइजर आ गए, और आपका प्रेसिडेंट आ गया, मतलब जो आपकी एक्चुअल में कंपनी को चला रहे हैं, वो कौन डिसाइड करता है, शेयर होल्डर चुनते हैं उन्हें. यूजली द ऑनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस. यानी कि शेयर होल्डर का इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस पर. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं गाइज, शेयर्स कहते हैं. ठीक है, कंपनी के मार्केट में शेयर्स बिकते हैं. आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज के मार्केट में शेयर बिकते हैं, जो आप अपने TV न्यूज़ चैनल CNBC वगैरह पर देखते हो कि भाई इसके शेयर बढ़ गए, कम हो गए, राइट.
तो वो लोग खरीदते हैं और जो भी लोग खरीदते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। अगर कोई पर्सन उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो शेयर होल्डर बन जाता है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो ऑनर है जो कंपनी को रन कर रहा है। ठीक है, आगे क्या क्या चीज़ें हैं गाइस कंपनी के बारे में, तो उसके फीचर्स पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो फीचर है कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का, जब भी आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हो उसका नाम बन जाता है, ठीक है, फिर उसके मेंबर्स के नाम से उसे नहीं जाना जाता, कंपनी को उसके नाम से जाना जाता है। जैसे रिलायंस हो गया आपका, महिंद्रा हो गया, या कोई एक्स वाई जेड कंपनी हो गया, तो अगर किसी को केस करना है, ठीक है, तो वो ऑनर्स पर नहीं करता, वो किस पर करता है, कंपनी के नाम पे करता है। और अगर कंपनी को केस करना है तो कोई पर्टिकुलर पर्सन केस नहीं करता, बल्कि वो कंपनी के नाम से केस किया जाता है। अगर कोई एसेट खरीदना है तो कंपनी के नाम पर एसेट खरीदा जाता है, ठीक है, तो इसकी यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, वो भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कि भैया उसकी एक अपनी पहचान है, उसके अपने एक साइन है। बस फर्क क्या होता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकता। बट अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ उसे बनाता है और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर से अलग है, बस वो सांस नहीं लेता, बट वो उधार ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो केस कर सकता है, ठीक है, बट वो सांस नहीं लेता। बाकी सारी चीज़ें कंपनी एज अ ह्यूमन बींग एंजॉय करता है, बट सिर्फ ब्रीदिंग यानी कि सांस नहीं ले सकता, सो इसलिए उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अब गाइज अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो देखो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बस एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ उसे रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि अब 2013 कंपनीज एक्ट चल रहा है, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, और इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट थे, यहाँ पर हैं वो सारे एक्ट। 1956 से पहले 1942 था, 13 था, 1882 था, तो इस टाइम पर तो गाइज हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तो यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये सारे लॉ बना रखे थे, जो भी एक्ट बना रखे थे 1866 में, इंडियन कंपनी एक्ट। लेकिन अभी 1956 चल रहा था, 2013 में आते ही 2013 बन गया, ठीक है। अब अगर फॉर्मेशन की बात करें, तो अगर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा देते हैं तो वो फॉर्म हो जाती है, बट यस, ये एक टाइम कंज्यूमिंग, महंगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आसान नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी, आप ये कह सकते हो कि कंडीशंस को पूरा करना होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है गाइज, इसे एक लॉ क्रिएट करता है और इसे लॉ ही ख़त्म कर सकता है, यानी कि किसी मेंबर के आने या जाने से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी लगातार चलती रहती है। सिर्फ कब बंद होती है, जब हम लॉ के हिसाब से उसे बंद करते हैं, यानी कि पूरी फॉर्मेलिटी के साथ उसको बंद किया जाता है। कोई भी मेंबर आए, क्या लिखा है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है। सो वे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी सिटिंग इन अ जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब बट द कंपनी सर्वाइव। देखो क्या लिखा है कि अगर कंपनी के सारे मेंबर्स को उड़ा भी दिया जाए बम से, तो भी कंपनी चलती रहेगी। एग्जाम्पल भी माशाल्लाह दिया इन्होंने, ठीक है। ओके गाइज, अब देखो आगे क्या बोलते हैं ये कंट्रोल के बारे में। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो होता है कंपनी का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, दैट इज़ अ टॉप मैनेजमेंट, और इन्हें सेलेक्ट कौन करता है, हमारे शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, देखो अगर हम बात करें गाइज लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी डूबती है तो उनके ऑनर्स से कितना पैसा दिया जाएगा। तो आपको पता है ऑनर्स हम किसे कहते हैं, ऑनर्स हम कहते हैं शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर ने अगर 10 रुपये का एक शेयर खरीदा है, ठीक है, और उसने अभी तक उस पर 7 रुपये दिए हैं, 3 रुपये नहीं दिए, तो बस हम उससे 3 रुपये ही ले सकते हैं, यानी कि अनपेड अमाउंट जो भी शेयर पर होगा हम उससे उतना ही ले सकते हैं, हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है कर लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कर लेते हैं, बट इसमें नहीं करते। तो जिसने भी शेयर खरीद रखे हैं, अगर लेट सपोज करो कि आपने 100 शेयर खरीद रखे हैं और 100 शेयर पर आपने 10 रुपये का अगर एक शेयर है और आपने सिर्फ 6 रुपये अभी तक पे करे हैं पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 600 पे करे हैं, यानी कि आपने 4 रुपये नहीं पे करे 100 शेयर्स पर, तो यानी कि 400 रुपये की आपकी लाइबिलिटी बनेगी जो आप बाद में पे करोगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करी जाएगी गाइस कॉमन सील की।
सो जैसे मैंने कंपनी का कहा, कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट जहाँ तक है लोग कंपनी की कॉमन सील बनवाते हैं, यानी कि उसकी स्टैंप बनाते हैं और हर एक डॉक्यूमेंट पर लगाते भी हैं. राइट, इफ़ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड्स के रेजोल्यूशन के साथ. अगर आपकी कॉमन सील नहीं है तो आपको एक बंदा चूज करना पड़ेगा जो ऑथराइज्ड हो साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट फीचर है गाइस इसका रिस्क बियरिंग, यानी कि कंपनी के केस में गाइस रिस्क को बियर करना आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, 10,000 15,000 मेंबर होते हैं, तो अगर कोई नुकसान होता भी है तो सब लोगों में बढ़ जाता है. और वो भी आपको पता है कि उन्होंने जितना अनपेड अमाउंट है उनका शेयर्स पर उतना ही उनको पे करना पड़ता है, जबकि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं बात करूँ तो दो या तीन लोगों की अगर पार्टनरशिप है सारा नुकसान उन्हीं को भुगतान करना पड़ता है. तो ये थे गाइस इसके फीचर्स, आई होप आपको समझ आए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या हैं कंपनी की. सो गाइस देखो, मेरिट्स मतलब क्या फ़ायदे होते हैं और लिमिटेशन मतलब डीमेरिट्स, यानी कि क्या नुकसान होता है कंपनी के केस में. तो फ़ायदे क्या क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है, जितना उनके पास उन्होंने शेयर का पैसा नहीं दिया सिर्फ उतना ही उनको पे करना होता है, यानी कि उतना ही पैसा उनका डूबता है जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है. ठीक है ना, और उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं बनती, सिर्फ उन्होंने अगर 10 रुपये का शेयर ख़रीदा और 4 रुपये नहीं दिए तो 4 रुपये तक के ही उन्होंने अभी पैसे देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने. ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, जब चाहे कंपनी अपने शेयर, यानी कि शेयर होल्डर अपने शेयर बेच सकता है और आगे बढ़ सकता है, नई कंपनी के शेयर खरीद सकता है, तो ये एक फ़ायदा रहता है इसके केस में. थर्ड चीज़ गाइस दैट इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी पर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी हो मेंबर की, या मेंबर्स छोड़ के भाग जाए, कुछ भी हो जाए कंपनी लगातार चलती रहेगी. ठीक है, अगर हम बात करें गाइस लिमिटेशंस की, देखो बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है जैसा मैंने आपको बताया, और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई सीक्रेसी नहीं रहती क्योंकि इसको अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कराना ज़रूरी होता है टाइमली, एंड गवर्नमेंट भी बहुत देखकर चलती है कि कंपनी कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रही, ये सब चीज़ें. इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इम्पर्सनल यानी कि वहाँ पर आपस में जो है एक आप ये कह सकते हो पर्सनल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता कि कोई एक दूसरे से इन टच हो. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर एक जो भी बंदा है गाइस वो अपने मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है वो एक दूसरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट मेंटेन करके नहीं चलता है. ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट्स. अब जो भी मेंबर्स हैं वो सारे ऑनर कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो चूज़ कर लेते हैं जो कंपनी को रन करते हैं. तो एक तरीके से आप कहते हो ना, जब आप खुद की पार्टनरशिप चलाते हो तो आप में एक खुद का वो एहसास होता है कि भैया हम ही तो ऑनर हैं यहाँ के, हम चला रहे हैं तो जो मेहनत है हमारी है. लेकिन यहाँ पर गाइस बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दी ऑनर एंड टॉप मैनेजमेंट कि वो आपस में एक पर्सनल रिलेशन बना के चले. ठीक है, न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को पूरे करने होते हैं, उसके अंदर कंपल्शन होता है कि उनको अपनाने ही अपनाने हैं, सो ये एक ड्रॉबैक है. इसके अलावा गाइस डिले इन डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स कंपनी के केस में डिसीजन मेकिंग जो होता है वो डिले हो जाता है. क्यों डिले हो जाता है गाइस? क्योंकि कई बार होता है कि हमें मीटिंग रखनी पड़ती है, कई बार हमें उसमें क्या कहते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स का भी हाँ लेना होता है, मतलब उनकी भी हामी करानी होती है कि भैया देख लो अब हम ये डिसीज़न ले रहे हैं. तो कई बार डिले होता है हमारे डिसीज़न मेकिंग में. ठीक है, एंड इसके बाद क्या है नेक्स्ट में, यहाँ पे दोबारा से गाइस और फीचर्स दे मेरिट्स दे रखे हैं. स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी कि अगर आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, जो कि आपको बस शेयर और इशू करके और पैसा मिल जाता है और आप अपनी कंपनी को फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो, जो कि पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में मुश्किल होता है. उसके बाद है गाइस प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल होता है, हायर सैलरी बेस्ड हम एक्सपर्ट चूज़ करते हैं. ठीक है, क्योंकि कंपनी अफोर्ड कर सकती है गाइस, बहुत सारे ऑनर है, बहुत सारी कैपिटल है, तो कंपनी एक्सपर्ट्स को चूज़ कर सकती है और हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल होता है, कोई भी अनप्रोफेशनल पर्सन को कंपनी नहीं रखती. इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस लिमिटेशन की, ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ओलिगार्किक का मतलब होता है गाइस कि
कुछ ही लोग उस पर मैनेजमेंट पर राज करते हैं, यानी कि कुछ ही लोगों का मेन मैनेजमेंट होता है। ऐसा क्यों कहा गया है जबकि यहाँ पे तो इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो ओलिगार्की क्यों कहा गया इसे? तो ओलिगार्की इसलिए कहा गया गाइस कि सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं और वो हर समय पर आ नहीं सकते, है ना, कंपनी के डिसीजन में, मीटिंग अटेंड करने में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादातर वही चीज़ करते हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। सो मेनली जो डिसीजन लिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते हैं, जिसकी वजह से इसे ओलिगार्की मैनेजमेंट कहते हैं। और देखो लाइन क्या लिखी है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज सच एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे समटाइम यूज इवन कंट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के खिलाफ भी वो कई बार ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो शेयर होल्डर का नुकसान देते हैं। सो दिस सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स जो होते हैं इन सच अ सिचुएशन है नो ऑप्शन बट वो अपने शेयर सेल कर देते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं, ठीक है। एज अ डायरेक्टर वी वर्चुअली एंजॉय द राइट टू टेक ऑल द मेजर डिसीजन एंड इट लीड टू रूल बाय अ फ्यू। तो ओलिगार्की मतलब फ्यू लोगों का राज करना, तो ओलिगार्की मैनेजमेंट होता है। और कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का क्या मतलब है गाइज? देखो कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब है कि कई बार आपके जो शेयर होल्डर होते हैं और जो हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में हमेशा कई चीज़ों को लेके बहसबाजी रहती है। जैसा कि उन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड, अगर आपके एम्प्लॉय हाई सैलरी लेना चाहते हैं, कंज्यूमर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं बल्कि सस्ते दामों पर, शेयर होल्डर जो है वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अ डिविडेंड, ठीक है, इंक्रीज इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स, दीज डिमांड पोज अ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द कंपनी एज इट ऑफन बिकम डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट। सबको पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक कंपनी के लिए, इसलिए आपस में कई जगह पर जो होता है डिसीजंस में नहीं बन पाती, तो हम उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। आई होप गाइस आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आईडी है तबिता मेसी। थैंक यू गाइस।